बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हफ्फाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 20 हमारा, क्लास 8 में मैथमेटिक्स, यूनिट 5। नाम है इसका पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 5.2। कल हमने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझा था और उसके कुछ एग्जाम्पल को देखा था, दोनों मेथड से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेथड से, और हमने आपको कुछ सवाल दिए थे। उम्मीद है वो क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। पार्ट टू हम करने के लिए जा रहे हैं आज। सबट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स को आज हम समझेंगे। सबट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत इजी है। सबट्रैक्शन ऑफ वन पॉलिनोमियल फ्रॉम द अदर कैन बी डन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी टर्म इन द पॉलिनोमियल टू बी सबट्रैक्टेड and then adding this result to the other polynomials। करना इसमें यह होता है, जैसे हमारे पास एक example लिखी हुई है, subtract करना है आपको a की power 4 minus 7 a cube b plus 6 a square b square plus 5 a b cube plus 6 b की power 4 from 5 a b cube plus 6 b की power 4 minus a की power 4 plus 7 ए क्यूब बी माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 7 बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेथड। दोनों मेथड से आपको करना है। याद रहे आप लोग, 6 में भी पढ़ के आए, 7 में भी पढ़ के आए हैं, इस बात को आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये बात दोबारा आप इसको सुन लें। फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन होती है सब्ट्रैक्शन में, ख़ासकर फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को हम पहले उतारते हैं, पहले लिखते हैं। फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को हम पहले लिखते हैं और फ्रॉम से जो पहले वाली एक्सप्रेशन होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। और उसके बाद पहला काम तो हमें ये करना होता है कि फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को हम पहले लिख लेते हैं और फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन को हम बाद में लिखते हैं। और बाद वाली एक्सप्रेशन को कैन बी डन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी टर्म, हर टर्म की साइन हमें चेंज करनी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल मेथड से क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लें, सबसे पहले लिख लें आप वर्टिकल फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन। आप इसको एज इट इज़ भी उतार सकते हैं और उसके अलावा आप पावर की तरतीब से भी उतार सकते हैं। तो मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ, 5 ए बी क्यूब प्लस 6 बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 प्लस 7 ए क्यूब बी माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 7। आसान तरीका यह है, फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन जिस तरह दी हुई है वैसे ही एज इट इज़ आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि हम फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन को उतारेंगे तो देखते हुए हम उतारेंगे ए की पावर 4 ए लाइक टर्म को देखना है, उसके नीचे ही आपको उतारना है, ए की पावर 4 के नीचे ही आप उसको उतारेंगे साइन के साथ। हर नंबर या हर एक्सप्रेशन की साइन उससे पहले होती है, ए की पावर 4 प्लस के साथ है, नहीं कोई साइन लिखी हुई यहाँ पर लगी हुई, तो इट मीन्स अंडरस्टूड है कि वो प्लस है, प्लस ए 4। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत आराम आराम से समझ कर तहम्मुल से इसको करना है। साइन की या एक्सप्रेशन की उतारने की थोड़ी सी भी गलती पूरा सवाल गलत कर देती है, तो लिहाजा एहतियात से, एहतमाम से। माइनस 7 ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, पहले तो आप ए क्यूब बी ढूंढ लें, बिल्कुल ए क्यूब बी यहाँ बिल्कुल सामने है मेरे मौजूद, माइनस के साथ है तो हम माइनस के साथ उतारेंगे, माइनस 7 ए क्यूब बी, ए क्यूब बी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म को हम देखते हैं 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमें देखना होगा जी, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अब प्लस के साथ है तो हम लिखेंगे प्लस
सिक्स ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। फोर्थ टर्म को हम देखेंगे प्लस फाइव ए बी क्यूब ए बी क्यूब ए बी क्यूब। जी बिल्कुल ये है, प्लस के साथ है, प्लस शुरू में है, हम लिखते नहीं है, ए बी क्यूब। उसके बाद वाली टर्म को हम देखेंगे प्लस सिक्स बी की पावर फोर, सिक्स बी की पावर फोर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे प्लस सिक्स बी की पावर फोर, प्लस के साथ है तो हमने उतार ली। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको बात बताई, कैन बी डन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी टर्म। हर टर्म की साइन चेंज होगी, ये एक आप अलग लाइन पे उतारेंगे इस एक्सप्रेशन को, इन तमाम टर्म्स को फिर अलग लाइन में उतारेंगे, फिर जो साइन की चेंजिंग है वो भी आप अलग लाइन में करेंगे। प्लस कुछ नहीं है, अंडरस्टूड है, प्लस है तो इसकी साइन हो गई माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और हमारे पास यहाँ पर नीचे एक्सप्रेशन कोई मौजूद नहीं है तो हम इसको अब माइनस कर लेंगे। अब 5 प्लस का है, अब ये वाला 5 प्लस का नहीं रहा, अब ये वाला 5 माइनस का हो गया। प्लस 5 ए बी क्यूब माइनस 5 ए बी क्यूब, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं लिखेंगे। ज़ीरो लिखना चाहें तो आप ज़ीरो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें ना लिखें। प्लस 6 बी की पावर 4, अब माइनस 6 बी की पावर 4 है, सेम आइटम सेम टर्म डिफरेंट साइन, कैंसिल, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। आगे चलते हैं, माइनस का 1 ए की पावर 4, माइनस 1 ए की पावर 4, माइनस 1 ए की पावर 4 और माइनस 1 ए की पावर 4, तो ये हो गया माइनस 2 ए की पावर 4। 1 और 1 दोनों के कोफिशेंट्स प्लस हो जाएंगे, अगर साइन सेम होती है तो अमल एडिशन का होता है और जो साइन होती है वही आ जाती है। 1 और 1 2, 2 ए की पावर 4, माइनस 2 ए की पावर 4। आगे चलिए, प्लस 7 ए क्यूब बी, प्लस 7 ए क्यूब बी, वेरी इजी, प्लस 14 ए क्यूब बी। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखिए, माइनस ए माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिल्कुल सेम इसी तरह से, माइनस और माइनस है, माइनस माइनस है, 8 में 6 आप प्लस कर लीजिए, माइनस 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सेम साइन है, ऐड करेंगे जो साइन होती है वही आ जाती है, और प्लस 7 इसके साथ कोई भी ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये एज इट इज प्लस 7 आ जाएगा। दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को हम पहले उतारेंगे, फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन को हम बाद में उतारेंगे, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि नीचे वाले जितनी भी टर्म्स होंगी उनके हमें साइन अगर प्लस है तो माइनस करने पड़ेंगे, और साइन अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, सो साइन की चेंजिंग हो जाती है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है वर्टिकल मेथड से। अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड को हम देखेंगे, और सबसे पहले हम कंप्लीट ये क्वेश्चन उतार लेंगे, किस तरह से हमें करना होगा। क्वेश्चन हम उतार लेंगे सबसे पहले, जो फर्स्ट हमारे पास फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन थी वो हम उतार लेंगे ब्रैकेट में। पहले हमारे पास फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन क्या थी, 5a b cube हम उतार लेंगे। उसके बाद हमें ये कंप्लीट हम पहले उतार लेंगे, इज इक्वल टू 5a b cube प्लस 6b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 प्लस 7a³b माइनस 8a² b² प्लस 7।
नेक्स्ट हम उतारेंगे माइनस के साथ a की पावर 4 माइनस 7 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 5 ए बी क्यूब प्लस 6 बी की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को हमने पहले उतारा, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस साइन, और फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन को हमने बाद में उतार लिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, 5 ए बी क्यूब प्लस 6 बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 प्लस 7 ए क्यूब बी माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 7। अब ये माइनस साइन अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस यहाँ पे कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस माइनस ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 7 ए क्यूब बी माइनस प्लस माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 ए बी की बी क्यूब माइनस प्लस माइनस, और ये हमारे पास 6 बी की पावर 4। एक दफ़ा चेक भी कर ले, माइनस प्लस माइनस ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म को एक जगह कर लें ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। ए बी क्यूब, ए बी क्यूब को हम ढूंढ लेंगे, ए बी क्यूब इन दोनों को हम करीब ले आएंगे, इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं पहले 5 ए बी क्यूब, ए बी क्यूब कोई और नहीं है माइनस 5 ए बी क्यूब प्लस 6 बी की पावर 4, बी की पावर 4 को हम देख लेते हैं बिल्कुल लास्ट में है, माइनस 6 बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 प्लस 7 ए क्यूब बी, ए क्यूब बी को हम ढूंढ लेते हैं प्लस 7 ए क्यूब बी, उसके बाद माइनस 8 ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर बी ये है माइनस 6 ए स्क्वायर बी, प्लस का 7 अपनी जगह पर है। टर्म को ज़रूर काउंट कर लें ताकि इससे अंदाज़ा हो जाए कि कोई टर्म आपसे मिस नहीं हो गई हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है हमारा सवाल, अब हम देख लेते हैं। 5 ए बी क्यूब प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल। प्लस 6 बी की पावर 4 माइनस 6 बी की पावर 4, ये भी कैंसिल। आगे रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ए की पावर 4 ए की पावर 4 1 ए की पावर 4 1 ए की पावर 4 माइनस 2 ए की पावर 4। 7 प्लस का है, 7 प्लस का है, प्लस 14 ए क्यूब बी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं, माइनस 8 माइनस 6 माइनस का 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 7। रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, इट मीन्स हमने क्वेश्चन सही किया है, तो आप इसको यूं लिख लीजिए, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिखा जा सकता है। सो माइनस 2 ए की पावर 4 प्लस 14 ए क्यूब बी माइनस 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह से आप सवाल को उतारने के बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं आंसर, इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंस, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस। और इससे पहले सवाल हाथ में, इज द रिक्वायर्ड सम। होमवर्क नोट कर लीजिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई होगी, और इसी तरह से मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नोट कर लीजिए। पहले आप इस होमवर्क को ट्राई करें, कोशिश करें कि आपसे हो जाए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो होमवर्क हमारा क्या हो रहा है आज, डू एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स, ये आप ट्राई कर लीजिएगा।
इसी फॉर्मेट से करना है आपको, इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए आप इन सवालों को तमाम पार्ट्स को बआसानी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो, तो व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।